पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं सर। दोस्तों, हाल ही में आई फिल्म पुष्पा से प्रभावित होकर चोरी की खबरें सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस को एक ऐसा ट्रक मिला जिसमें चोरी छिपे 2,45,00,000 रुपए का लाल चंदन ले जाया जा रहा था। सांगली पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे पकड़ा। इस मामले में बेंगलुरु के रहने वाले यासीन इनायतुल्ला नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कर्नाटक आंध्र सीमा से महाराष्ट्र जा रहा था। पुलिस को इस बात का जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने तुरंत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी हाल ही में आई पॉपुलर फिल्म पुष्पा से प्रभावित था। उसने अपने ट्रक में लाल चंदन के ऊपर कई फल के डिब्बे भी रखे हुए थे ताकि चंदन किसी के नजर में न आए। अभी के लिए पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि इनका कितना बड़ा नेटवर्क है और कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल है।